तो भाई आपने अपना सॉन्ग जो है वो एक म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर सबमिट किया था सभी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए, लेकिन जो म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर आपने सब सॉन्ग अपलोड किया उसने आपका सॉन्ग जो है वो विदाउट रीज़न बताए आपका सॉन्ग रिजेक्ट कर दिया। बस वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि आपने यहाँ पर इनकी गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो नहीं किया था। तो भाई ऐसी क्या गाइडलाइंस हैं, या फिर आप एक नए क्रिएटर हैं, नए सिंगर हैं, आप अपना पहला सॉन्ग अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आपको इन क्या गाइडलाइंस का ध्यान रखना है जिससे कि आपका सॉन्ग रिजेक्ट ना हो और वो सभी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाए। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो भी अपना सॉन्ग म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट के थ्रू अपलोड करना चाहते हैं या फिर करते हैं, जिनको प्रॉब्लम आती है किसी किसी सॉन्ग को रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसी किसी सॉन्ग को रिजेक्ट नहीं किया जाता। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है जो कि आप कभी फॉलो कर देते हैं या फिर कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, या फिर टोटल ए टू जेड क्या क्या गाइडलाइंस है जो कि मांगी जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड जो मैं गाइडलाइंस बताऊँगा वो आपको सही से समझ में आ जाती हैं। तो लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज मैं आपको यहाँ पर जो सभी गाइडलाइंस बताने वाला हूँ, चाहे तो आप इनको डिनोट कर सकते हैं किसी कॉपी पर या पेपर पर, या फिर आप इनको सही से ध्यान वीडियो देखने के बाद में ध्यान रख सकते हैं। देखो सबसे पहली गाइडलाइंस यहाँ पर आती है कि जो आपकी यहाँ पर लिरिक्स होंगी सॉन्ग की, जो उसका म्यूज़िक होगा, जो उसका कंपोजिशन होगा, वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल रखना है अगर आप एक बिल्कुल ओरिजिनल क्रिएटर ओरिजिनल सिंगर बनना चाहते हैं। तो अगर आपका ये तीनों चीज़ें ओरिजिनल रहेंगी, लिरिक्स म्यूज़िक कंपोजिशन, तो कोई भी म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट में हिम्मत नहीं है कि वो आपका सॉन्ग जो है वो रिजेक्ट कर दे। एंड दूसरी चीज़ का आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपको सैम्पल बीट या फिर नो कॉपीराइट म्यूज़िक की बीट या फिर परचेज बीट आपको अपने म्यूज़िक में अपने सॉन्ग में यूज़ नहीं करनी है, वो आपका सॉन्ग या म्यूज़िक अपलोड नहीं होगा जिसमें ये तीनों तरीके के बीट्स या म्यूज़िक को इस्तेमाल किया गया है। एंड यहाँ पर थर्ड चीज़ आती है कि जो आपको अपना अपने सॉन्ग का पोस्टर बनाना है, यानी कि जो आपके सॉन्ग का आर्ट वर्क होता है वो आपका एक स्पेसिफिक साइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट मांगती हैं, वो होता है स्क्वायर फॉर्मेट में 3000x3000 पिक्सल्स में। अगर आपको ये आर्ट वर्क का साइज बनाना नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने आपको ऊपर बेल आइकन पर दे दिया, आप वहाँ पर जाकर उसको आराम से देख सकते हैं और अपना बिल्कुल सही फॉर्मेट का साइज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगली गाइडलाइंस यहाँ पर ये आती है कि जो आपका यहाँ पर आर्टवर्क होगा, जो पोस्टर होगा सॉन्ग का, उस पर आपका जो सॉन्ग का नाम होगा या फिर जो सिंगर का नाम होगा वो डिनोटेड होना चाहिए और बिल्कुल सेम स्पेलिंग के साथ डिनोटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर सिंगर को ये हो रहा है या फिर उसका नाम की स्पेलिंग गलत है और सॉन्ग का नाम कुछ हो रहा है और पोस्टर पर नाम कुछ हो रहा है। बिल्कुल सेम होना चाहिए स्पेलिंग के साथ और बिल्कुल आर्टिस्ट और सिंगर का नाम सेम ही होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड जो यहाँ पर अगली गाइडलाइंस आती है वो ये आती है कि जो आपका यहाँ पर आर्टवर्क होगा उस पर किसी भी तरीके का फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का आपको अपना एड्रेस डिनोट नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत से देखे हैं जो कि भोजपुरी सिंगर्स हैं, जो कि नए सिंगर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर इस पर अटैच हो जाए जिससे कि वर्ल्ड वाइड यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर चला जाए, मैं मालदार हो जाऊँ, मतलब मुझे लोग कॉन्सर्ट्स के लिए बुलाएं या फिर मेरा एड्रेस यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ, मुझसे लोग कॉन्टैक्ट करें। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। भोजपुरी सिंगर को मैं ऐसा कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर डिनोट नहीं करना है अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस। और अगली गाइडलाइंस ये है कि आपको अपने पोस्टर पर किसी भी तरीके का लोगो या फिर प्लेटफॉर्म का लोगो इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो ब्रांड लोगो हो चाहे वो प्लेटफॉर्म का लोगो हो। लोगोज़ में आते हैं जैसे यूट्यूब का लोगो, इंस्टाग्राम का लोगो, फेसबुक का लोगो, स्पॉटिफाई का लोगो, या फिर किसी क्लोथिंग ब्रांड का लोगो या फिर शूज़ ब्रांड का लोगो, किसी भी तरीके के ब्रांड्स को यहाँ पर आप लोगो नहीं लगा सकते हैं, उनको प्रमोट नहीं कर सकते अपने सॉन्ग के आर्टवर्क के थ्रू, ठीक है। अगली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपने सॉन्ग के आर्टवर्क को बिल्कुल जितना क्लीन रखा जा सके उतना रखना है, उस पर कोई भी जो वीडियो के यहाँ पर लिख देते हैं कि यूट्यूब पर इसकी HD वीडियो अवेलेबल है, तो यहाँ पर HD वीडियो का एक टैग लगा दो पोस्टर में कि इसकी HD वीडियो अवेलेबल है, इसका 4K का वीडियो का टैग लगा दो यहाँ पर पोस्टर पर, तो आपको ये वाले टैग्स भी नहीं लगाने हैं आर्टवर्क के अंदर कि इसकी HD वीडियो है या फिर इसकी 4K की वीडियो है। एंड अगली गाइडलाइंस यहाँ पर ये आती है कि जो आपकी ऑडियो का फॉर्मेट है, ऑडियो का फॉर्मेट आपको यहाँ पर दो ही फॉर्मेट यहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे, वो वेबसाइट पर डिपेंड करते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट है जो कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करती है या फिर वो आपसे डिमांड करती है। तो ये दो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको उस वेबसाइट जिससे भी आप अपलोड करना चाहते हैं उसका डैशबोर्ड जब आप इनेबल कर लेंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपको इस फॉर्मेट की यहाँ पर जो है वो ऑडियो अपनी अपलोड करनी है, जो कि आपने सॉन्ग की ट्रैक बनाया है उसको अपलोड करना है उस फॉर्मेट में। तो वेव और फ्लैग ये दो फॉर्मेट है जो कि आपको सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सभी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट अपलोड करने के लिए मांगेगी। अब वो वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि उसको वेव फॉर्मेट की ऑडियो फाइल चाहिए या फिर फ्लैग फॉर्मेट की ऑडियो फाइल चाहिए। एंड ऑडियो फाइल के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है कि आपका जो ऑडियो का फॉर्मेट होगा वो वेव फ्लैग के साथ साथ 44.1 किलो हर्ट्ज़ एंड 320 KB/s एंड 16 बिट के अंदर होना चाहिए, जो कि सब
सबसे हाई क्वालिटी ऑडियो यहाँ पर मांगी जाती है। तो इस पर आपको जो अपनी ऑडियो है वो इसको कैसे इन सभी फॉर्मेट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको ऊपर की साइड बेल आइकन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको सीख सकते हैं। और ध्यान से अपने ऑडियो के फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं करनी है, ध्यान से उसको क्रिएट करना है, क्योंकि ऑडियो अधिकतर अपलोड नहीं हो पाती है। बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आता है हमने कन्वर्ट कर ली, तो ध्यान से कन्वर्ट करना उस ऑडियो फॉर्मेट को। एंड जो अगली गाइडलाइंस हमारी यहाँ पर आती है कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग, कोई करंट अफेयर्स या फिर कोई डायलॉग या फिर प्रैंक ट्यून, इस तरीके की यहाँ पर सॉन्ग या म्यूजिक को अपलोड करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंडियन साइट अगर आप यूज़ कर रहे हैं सॉन्ग अपलोडिंग के लिए, तो वो यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करेगी। ग्लोबल से कर रहे हैं तो क्या पता वो अपलोड कर दे, ग्लोबल आपके डिवोशनल, पॉलिटिकल, इस तरीके के सॉन्ग्स को अपलोड कर देती है, इंडियन यहाँ पर अपलोड नहीं करती है। एंड जो हमारी यहाँ पर अगली गाइडलाइंस है वो ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा सॉन्ग को अपलोड करते हैं या फिर एल्बम के फॉर्मेट में अपलोड करना चाहते हैं, तो सभी सॉन्ग का जो यहाँ पर आर्टवर्क होगा वो आपको चेंज ज़रूर से करना है। ऐसा ना हो कि आपने कोई एक ही डिज़ाइन का आर्टवर्क या फिर एक ही आर्टवर्क को सभी सॉन्ग पर आप अपलोड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो वो आपका सॉन्ग अपलोड नहीं होगा। आपको अगर दो सॉन्ग अपलोड करने हैं तो दो आर्टवर्क आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड जो अगला एंड लास्ट गाइडलाइन ये है कि अगर आप इस तरीके के सॉन्ग्स को क्रिएट करते हैं जैसे कि रिमिक्स, रिवर्ब, लूफी, तो आपको ध्यान रखना है कि हर कोई वेबसाइट इस तरीके के सॉन्ग्स को अपलोड नहीं करती है, खासकर कि इंडियन वेबसाइट्स तो इस तरीके के सॉन्ग्स को अपलोड करती ही नहीं है। एंड जो भी गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं वो ही इस तरीके के सॉन्ग्स को अपलोड करती हैं म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर। और वो कौन कौन सी वेबसाइट हैं अगर वो जानना है, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ साथ एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको ऊपर बेल आइकन पर मिल जाएगा। क्योंकि हर तरीके की सॉन्ग को हर तरीके की वेबसाइट अपलोड नहीं करती है, तो इन तरीके के सॉन्ग्स के लिए अलग से वेबसाइट के लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप किसी भी वेबसाइट को बिना ऐसे जांचे परखे कि आप अगर लूफी तरीके, अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया कि आप एक लूफी क्रिएटर हैं या फिर एक रिवर्ब क्रिएटर हैं, और आपने बिना सोचे समझे किसी भी एक फेमस वेबसाइट का प्लान परचेज कर लिया सॉन्ग को अपलोड करने के लिए, एंड आपको बाद में पता चला कि वो इस तरीके के सॉन्ग्स को अपलोड नहीं करती है, तो भाई आपके जो पैसे हैं ना वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ कि जो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इस तरीके के सॉन्ग्स को ही अपलोड करती हैं, उसको पहले वीडियो को ध्यान से देख लेना, उसके बाद ही कोई प्लान परचेज करना। तो आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो इसकी गाइडलाइंस है उनको मैं सही से समझा पाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि ये नए क्रिएटर्स के लिए और सभी जितने भी सॉन्ग सबमिट करते हैं वेबसाइट्स पर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया आपने जो वीडियो में बताया था, फिर भी हमारा सॉन्ग जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड यार शेयर तो जरूर से कर देना उन सभी के लिए जो कि अपना सॉन्ग अपलोड करना चाहते हैं। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको यूट्यूब पर और कोई नहीं देने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही था, जय हिंद और वंदे मातरम।